हेलो सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। तो वेलकम है गाइस आपको एक नए व्लॉग में रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल टूर। इसमें हमने जाना है लाहौर एटलस होंडा, तो देखते हैं वहाँ पे क्या है। मैंने तो पहले नहीं देखा, लेकिन यासर को आइडिया है। यासर आइडिया है आपको? नहीं, मैंने मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली इंटर्नशिप वेले बंदे हम दोनों फाइनल ईयर के स्टूडेंट और अब तक इंटर्नशिप भी नहीं की। इसके अलावा जो है जुहेब उसने तो की हुई है वहाँ पे, आमिर ने भी की हुई है। आज वैसे सभी ने ब्लैक ड्रेस भी पहने हुए हैं, शायद ये कोई ब्लैक डे थीम है आज इंडस्ट्रियल टूर है, लेकिन पता नहीं क्यों सभी ने ब्लैक ड्रेस पहने हुए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी ब्लैक ड्रेस ही पहन लेता हूँ। तो अभी तो ये देख लें निकल रहे हैं। एज ऑलवेज मैं लेट ही होता हूँ और आज भी लेट ही हूँ, मेरी वजह से ये यासर भी लेट है आज तो बाकी पहुँचते हैं वहाँ पर, बस जो है वो हमारा इंतज़ार कर रही है। तो जुड़े रहें। तो हमें हमजा ने भी ज्वाइन कर लिया है। हमजा ये रजिस्टर क्यों उठाया हुआ? मैंने कहा था चीज़ें नोट करनी है जो आपने ले गए। देखो ये पढ़ने वाला बच्चा है, टेंशन नहीं, बस नोट करने वाला ही है। बकवास ना पढ़ने वाला मेरी तरह ही है अच्छा खैर, जैसे आपको पता है कि इंजीनियर बंदे जो होते हैं हाउसलाइट बेसिकली, उनकी कभी चीज़ें नहीं पूरी होती। जैसे अभी मेरा जो है वो बेल्ट नहीं था और साथ में शूज़ नहीं थे, तो शूज़ भी अभी किसी के पकड़े हैं तो जो हॉस्टलाइड हैं उनको तो आइडिया हो जाता है कि चीज़ें हमेशा कभी किसी से पकड़ी कभी किसी से पकड़ी ऐसे ही पूरी होती हैं। बाकी डे स्कॉलर बेचारे सुबह आ जाते हैं, डे स्कॉलर की ज़िंदगी अजीब ही है। आ गए अगर एक लेक्चर भी मिस हो गया, सारा दिन में एक ही लेक्चर है, अगर वो भी मिस हो गया तो जी सारा टाइम ज़ाया। सुबह से जो उठे हैं 6 बजे से वो भी सारा टाइम ज़ाया। लेकिन हॉस्टलाइड को ये फ़ायदा होता है कि वो सुबह उठना होता है, साथ ही अगर लेक्चर है ठीक है, नहीं है नहीं है तो सुते है, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं, फ्री जी। गुजर भी तुरे आ रहे हैं जी, कहाँ पे जा रहे हैं आप? ये सान कहाँ पे जा रहे हैं आप? आज हम शेखुपुरा जा रहे हैं इंडस्ट्रियल टूर के लिए। अच्छा, ये शेखुपुरा कौन सी इंडस्ट्री है? ये होंडा एटलस की इंडस्ट्री है। एटलस होंडा। ये बंदा इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे ना इंटर्नशिप करके आया हुआ है। आप बड़े उदास दास खड़े हैं यार, क्या हो गया? बस यार मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली यार। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, मैं भी ऐसा ही हूँ, मैंने भी अभी तक इंटर्नशिप नहीं। हाँ जी सर। जी भाई यार बिजी हैं। भाई भाई सांस ले रहे हैं, इनसे ज्यादा बोला नहीं जाता, गलतियां होती हैं। हाँ ये भी है, बाद में मुझे कटिंग करनी पड़ती है एडिटिंग में। गाइस अभी चढ़ गए यहाँ पे बस पे, तो ये जनता भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से जाना सीधा शेखुपुरा और वहाँ जाके फिर आगे का ब्लॉग बना। हाँ जी सही, आप कुछ आगे का ब्लॉग उधर बनेगा जाओगे ठीक है, देख लेना। अच्छा तो बादला ख्याल करना, बादले ख्याल यार हमारे चेयरमैन आ गए हैं, उन्हें दिखाएंगे। Oh
यहाँ पे इंटर रही है हमारी एटलस होंडा इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे अमर जो है, अमर कहाँ पे है अभी? ये हमारे चेयरमैन साहब जा रहे हैं और यहाँ पे ये बाकी का व्यू है इसके अंदर इंटर होते हुए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, देखते क्या बनता है। दोस्तों यहाँ एंट्री अभी हुई है तो बाकी आपको नवीद गाइड करता है। नवीद क्या हुआ अभी तक? भाई हमें तो कुछ नहीं पता, हम पीछे पीछे लगे हैं, जहाँ ले जाएंगे चले जाएंगे। बाकी ये है कि जी हमारे साथ इलेक्ट्रिकल वाले भी चुसड़ चढ़ गए थे, नहीं वो चुसड़ नहीं, बड़े अच्छे बंदे हैं। अच्छा, उनको उतार दिया उनने, पहले वो गलत ले के चले गए थे शायद, वो वीडियो भी ऐड होगी थोड़ी सी रेडियो स्टेशन पर, वहाँ पर चले गए वो। और उसके बाद वो जो हैं उनको गलत ले गए उनका ड्राइवर, बाद में उन्होंने बताया लड़कों ने कि किसी और जगह पे जाना। बाकी चले अब देखते हैं और क्या करना है यहाँ से। बाकी है मामा है, मामा क्याणी, मामा मामा आपका नाम क्या है भला? मामा कामिया ना? मामा शाहिद, मामा शाहिद, मामा शाहिद। भाई थोड़ा गाइड करें यहाँ से। अच्छा अच्छा, और बाकी ये इसके पीछे ये वाला पोर्शन कौन सा है? कौन सा पोर्शन? वो सामने, अरे वो सामने कास्टिंग प्लांट है, ठीक है, उधर मैंने इंटर्नशिप की है एक माह की। अच्छा अच्छा, बहुत गर्मी है उधर। Atlas is one of Pakistan's leading conglomerates, embodying this very spirit of development. The pioneer of Pakistan's industry, Mr. Yusuf H. Shirazi, laid the foundation of Atlas in 1962. The Atlas motto, coined by him, organizational development through self-development, is the essence of success for Atlas. As a diversified group dealing in engineering, manufacturing, power generation, financial services and trading, Atlas endeavors to fuel the growth of Pakistan's economy. Comprising 16 companies, Atlas shareholders' equity and assets stand at over $2 billion, with annual sales approaching $3 billion. The show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो गाइस अभी ये अंदर का जो है वो एरिया वो हम नहीं बना सकते क्योंकि उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है, अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते अपना मोबाइल फ़ोन या कैमरा वगैरह। तो बाकी असेंबली लाइन हमने सारी देखी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, बाकी रोबोटिक मैनिपुलेटर भी हैं अंदर, और ये वाली सारी चीज़ें देखी। उसके बाद वेल्डिंग और पता नहीं क्या क्या था, बट एवर वैसे ये है कि टेस्टिंग वगैरह या वो वाली चीज़ें वो सारी करते हैं इधर पहले ही, और उसको कंप्लीट करते हैं उसके बाद ही इनका होता है। ये एक दो मुल्क हैं साथ इनके साथ कनेक्टेड, जैसे थाईलैंड, जापान वगैरह, वो इनसे लेते हैं बनवा के अपना काम, और इसको वो अपने, यानी इसे आज इनका टारगेट जो था वो 1500 बाइक्स बनाने का था, और जब अभी हम निकले हैं यहाँ से तो इन्होंने 900 बाइक्स जो है ना वो बना दी थी, अब सिर्फ वो 600 बाइक हैं, वो भी इन्होंने घंटे या दो घंटे के अंदर बना देनी है, उसकी टेस्टिंग वगैरह हर चीज़ यहीं पर देख लेते हैं।
तो खाना खाया, बड़ा अच्छा खाना था। वो कहते हैं ना फ्री का खाना हमेशा अच्छा ही होता है। अभी यहाँ से फ्री हुए हैं, देखते हैं क्या करना है। डॉक्टर साहब तो वहाँ पे बैठ रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। वो निकलने का वापस का प्लान है, तो जो भी कर रहे हैं काम ठीक रहा है। हाँ भी मूसा, हाँ जी हाँ जी, आपको शेयर करेंगे क्या सारा खाना है। खाना अगर खाया ही मैंने, ये देखो बड़ा ए1 खाना था, बड़ा मज़ा आया। सिर्फ ये खाया है, खाने भूख नहीं थी यार आज। क्यों आप क्या खा के आए थे? वैसे मैं रुका हॉस्टल में था, लेकिन भूख ने इतना खाया ना तुम लोगों की सोच है ठीक है। अब ये मेरे वाली प्लेट उठा के आप लोगों को दिखा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। बंदे मशकूक है जी, जिनकी वजह से हमारा पूरे का पूरा ये जो बस है ये लेट हो गई है। अब इनको गालियां भी पड़ेंगी। आ जाओ जरा आचार वालों। तो जनाब अब हमारी वापसी है यूनिवर्सिटी की तरफ। फसल कैसा रहा आपका? कैसा है साहब? तो मैंने अब तक सबसे साफ और सबसे अच्छी इंडस्ट्री अब तक ये एड्रेस उठा के देखा। ये है, ये वाकई मानने वाली बात है। इतनी सफाई, क्योंकि वो वीडियो में ऐड नहीं कर सकता था, लेकिन अंदर से जो हमने देखा है ना वो वाकई ही बहुत साफ था। और हर चीज़ जो है डिसिप्लिन के साथ, और जो उन्होंने हमें दिखाया है चीज़ें दिखाई हैं वो भी डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन को मैं 10/10 करूँगा। बाकी खाना का जो है, खाना भी उन्होंने प्रोवाइड किया, वो बहुत अच्छा था। तो अभी के लिए मैं एंड करता हूँ यहाँ पे ब्लॉग का। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, और ऐसी ऐसी नई जो वीडियोज़ हैं एक दो दिन में मैं एक और वीडियो का अपलोड ब्लॉग अपलोड करने वाला हूँ, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उसके लिए आपने ना चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ में बेल आइकन भी दबाना है।